सब्जी सस्ती मिली आपको कुछ? सब्जी कुछ रेट सस्ते हुए हैं, दूसरी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है अभी भी। इसके ज़्यादा है अदरक लहसुन ऐसी चीज़ों के मसाले। प्याज भी सुना है बड़ा, प्याज 200 रुपया किलो है मंडी में भी। कहाँ से खाएगा? हाँ 200 रुपया किलो प्याज है। कितना जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर हांडी में? बन हर सब्जी में, हर सब्जी में डलता है प्याज। क्या काम करते हैं? मैं ग्लव्स का काम करता हूँ। काम ठीक चल रहा है आपका? काम का भी ऐसा ही है हाल है, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, काम क्लोज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आमदनी कम हो गई है। आमदनी कम, खर्चा बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे। माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी पढ़ रहे हैं। तो हालात घर का कंट्रोल कैसे है? बहुत मुश्किल से हो रहा है कंट्रोल, बहुत मुश्किल से। किसी चीज़ को तो हाथ लगाने दे नहीं रहे हमें। प्याज पूछा है तो प्याज 200 रुपये किलो का, 250 बता रहा है। हर बंदे का अपना रेट है, बाहर था तो 220 था, अंदर आया तो 240 का। तो ज़्यादा सस्ता होना चाहिए सर, सस्ता होना चाहिए, यही तो हमारा मंडी आता ही इसीलिए। सर मैं सुबह यूटिलिटी स्टोर गया हूँ, 2 चक्कर लगाए हैं, अब उन्होंने हमें भीख मंगा दिया है कि भाई आटा लाइन में लगा लो। ठीक है यार, आप 1000 रुपये ले रहे हो, 800 दे रहे हो, 1000 का दो, लेकिन लाइनों में ना लगाओ। इतनी लंबी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइनें कि लोग आप आए, हमारी माएँ बहनें यकीन करें कि सुबह 6 बजे आके लाइन में लग जाते हैं, और आटे का भी पता नहीं है कि अब आज आएगा कि नहीं आएगा। रात 2 बजे तक 3 बजे तक वो बेचारी खाए पिए बगैर आके बस बैठी रहती हैं, और जी हमें आटा चाहिए। अब फिर बाद में पता लगता जी आज आटा आया नहीं, घी आया तो कम आया 50 तोड़े, 40 तोड़े। हाँ जी सर, 50 तोड़े से तो ज़्यादा आते ही नहीं ना किसी, नहीं आता, नहीं आते। और फिर जब मैसेज दिखाओ तो मैसेज, अभी मैंने कल का मैसेज किया है, मुझे अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला। अब मुझे बताया कि हम कहाँ पे जाएं, हम लोग लाइनों में लगे, हम लोग रोज़ी निकालें। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, मैं पार्ट टाइम आके मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों के लिए कहाँ से कमाऊँ? कितने बच्चे हैं मेरे? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह, ठीक है ना। मेरे कितना कमा लेते हैं सर? मैं रेलवे का मुलाजिम हूँ, मेरी 25-26 हज़ार रुपये सैलरी वहाँ से आ जाती है, और 8-10-12 हज़ार रुपये मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। मैं बाइक चलाता हूँ और वहाँ से कुछ सवारी कर 35-37 हज़ार कमा बस। और उसमें अब सर मैं 4 बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन भी है, बच्चों के ट्यूशन के फीस है। अभी ये देखें मैं जूती लेकर आया हूँ, एक जूती का जोड़ा मैं जाकर उसे 600 रुपये का उसने मुझे जूती का जोड़ा दिया। एक जूती का जोड़ा मैं 2 बच्चों के ले गया हूँ, अभी 2 बच्चे फिर पेंडिंग, तो ये निकल गया। 2 बच्चे और हैं, अभी 2 बच्चे और हैं, उसको कहाँ से करूँ? सब्ज़ी सस्ती मिली आपको कुछ? सब्ज़ी कुछ रेट सस्ते हुए हैं, दूसरी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है अभी भी। किसके ज़्यादा है? अदरक लहसुन ऐसी चीज़ों के मसाले। प्याज भी सुना है बड़ा, प्याज 200 रुपये किलो है मंडी में भी। कहाँ से खाएगा? हाँ 200 रुपये किलो प्याज है। कितना जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर हांडी में? बन हर सब्ज़ी में, हर सब्ज़ी में डलता है प्याज। क्या काम करते हैं? मैं ग्लव्स का काम करता हूँ। काम ठीक चल रहा है आपका? काम का भी ऐसा ही है हाल है, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, काम क्लोज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आमदनी कम हो गई है। आमदनी कम, खर्चा बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे। माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी पढ़ रहे हैं। तो हालात घर का कंट्रोल कैसे है? बहुत मुश्किल से हो रहा है कंट्रोल, बहुत मुश्किल से। क्या लेने आए? प्याज लेने आए। प्याज किस तरह? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो प्याज? ये चाइना ने एक बारी ना गर्क किए थे अपने सारे नशाई जड़े से, नशा करने वाले। इस तरह पाकिस्तान के जिन्हें लीडर ने उन्होंने बहो गर्क कर दो, फिर ही काम कोई सीधा आएगा। तो फिर भी कौन सीधा करेगा? अल्लाह फिर सीधा करेगा, जो किसी डुबो तो फिर अल्लाह नवा पैदा कर देता। थोड़ा थोड़ा इधर है, ये सारी सियासी जमातें जो है जी, ये सारे चोर गरीब के नाम पे सियासत करते हैं ना? सारे चोर गरीब, रस्ते बंद कर देते हैं, रस्ते बंद कर देते हैं, ये नहीं पता कि एम्बुलेंस आ रही है या रस्ते में फौतगियाँ हो रही हैं, इनकी सियासत चमक रही है। कहते सारे प्रोटोकॉल कोई नहीं लेगा। हाँ लेते सारे हैं, सारे चोर है, सारे चोर है। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई बेहतरी नहीं हो रही? नहीं कोई बेहतरी नहीं, ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये सिर्फ अपनी सीटों के लिए है, आवाम के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना 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 कोई नहीं, ये आवाम के लिए अगर ये होते तो 2 महीने के लिए सही, बिल्कुल मिलके बैठ जाते कि यार आओ बैठे। हाँ जी बिल्कुल, इख्तलाफात साइड पे मुआशरा ठीक कर लेते हैं, फिर लड़ना शुरू कर देते। मगर कुछ बुरा है? नहीं इसमें कुछ बुरा है? नहीं कोई बुरा नहीं। क्यों नहीं मिलके बैठ? भाई जान ये कुर्सी की लड़ाई है यार, मैं तो कह रहा हूँ लड़े सियासतदानों का काम है कुर्सी के लिए लड़े, लेकिन मुल्क को तो ठीक कर ले भाई जान। ये बुरा से बदतर होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। आपका कोई नहीं सोच रहा? अपनी सियासत, सब अपनी सियासत, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रिया आपका।